ये नहीं हो सकता। मीता इतनी टेंस क्यों लग रही है? हाँ भैया ये कैसे हो सकता है? भाई क्या कैसे हो सकता है, कुछ बताएगी भी? भैया इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि भाभी को कैंसर। ओह कीप क्वाइट, बकवास मत कर। फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट अपने आप को बहुत बड़ी डॉक्टर समझने लग गई है। पेशेंट को होगा ब्लड इन्फेक्शन और तू कह देगी ब्लड कैंसर। कितने पेशेंट्स की जान ले लेगी यूं ही? क्या हुआ बताना। अब खुद देखो, देखो ये रिपोर्ट और ये रही मेरी बुक। दिस इज कैंसर। ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी को भैया से चल के पूछते आप। अरे भैया को बताना होता तो अब तक बता दिया होता उन्होंने। पर हो सकता है भैया को खुद ही पता ना हो। उन्होंने जाकर बस मेडिकल रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली हो और डॉक्टर से बिना बात किए चले आए हो। बाबूजी से बात करते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बैठो। एक मिनट। क्या बात है, तुम लोग खाना क्यों नहीं ले रहे हो? माँ मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है माँ। चुपचाप खाना खा लो। माँ सच में भूख नहीं है। माँ तुमने क्या खाया है? हाँ चलो बैठो। अमित खाना लग गया बेटा। क्या हुआ है सेतु? तुम दोनों में झगड़ा हुआ क्या? नहीं माँ। बात क्या है? मीता क्या बात है बेटी, रो क्यों रही हो? सेतु क्या बात है? बाबूजी वो भाभी की रिपोर्ट्स में लिखा है कि उन्हें क्या लिखा है? कि उन्हें कैंसर है। क्या क्या? लेकिन तुझे ये बात किसने बताई? मीता ने भाभी की रिपोर्ट्स पढ़ी है बाबूजी। इसके कहने से कुछ भी सच थोड़ी हो जाएगा। क्यूरी अपने आप को बहुत बड़ी डॉक्टर समझती है। मत भूल तो अभी मेडिकल के फर्स्ट ईयर में है, डॉक्टर नहीं बनी। गायत्री गायत्री एक एक मिनट के लिए तुम तसल्ली रखो। क्या तसल्ली रखो? माँ सुमन का टिफिन तैयार हो गया। अमित अमित देखना ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं। कहते हैं कि सुमन को कैंसर है। मीता ने सुमन की रिपोर्ट पढ़ ली है। माँ अभी तो डॉक्टरों को सिर्फ शक है, अभी बहुत सारे टेस्ट करने बाकी हैं और जब तक वो सारे टेस्ट नहीं होते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर्स का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, कल मैं खुद डॉक्टर गर्ग से बात करूंगा। आफ्टर ऑल ये डॉक्टर्स इंसान होते हैं और गलती इंसानों से होती है। हो सकता है कोई टेस्ट लेते वक्त गलती हो गई हो।